हेलो दोस्तों, एमकेन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए दिल्ली मेट्रो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों ये जो वीडियो है वो दिल्ली मेट्रो की नई वैकेंसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोस्तों ये जो वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कई सारे पदों की यहाँ पर जो DMRC है उसने यहाँ पर वैलिडिटी बढ़ा दी है, और दोस्तों इनके वीडियो जो है मैं कुछ कार्य होने की वजह से नहीं ला पाया था। अब दोस्तों आज काफ़ी लंबे समय बाद में जो है ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन पदों की वैलिडिटी यहां पर बढ़ाई जा चुकी है और कब तक बढ़ाई गई है, और दोस्तों क्या अब नई वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों शुरू से अंत तक देखना है, और दोस्तों जल्दी आपके लिए दिल्ली मेट्रो की जो RTA की वीडियो है वो भी लेकर के आने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो DMRC है उसकी जो ऑफिशियल साइट है वो हमने यहाँ पर ओपन कर ली है। अब दोस्तों इसी साइट को एक बार जो है मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूं कि कौन कौन सी नई अपडेट यहां पर आई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन हमारे सामने यहां पर आ रहा है, यानी कि दोस्तों 2019 की भर्ती का सेक्शन है, और दोस्तों यहां पर जो DMRC है उसने काफ़ी सारी जो अपडेट है वो जारी की हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि दोस्तों इस सेक्शन तक आपको मैं जो है यहाँ पर अपडेट दे चुका हूँ, यानी कि दोस्तों मेंटेनर फिटर तक। अब दोस्तों इसके अलावा जो नई अपडेट अब आई है वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले वाली जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं 1 जून 2022 की अपडेट है, और दोस्तों यह है जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक CNE 02 की। तो दोस्तों इसकी यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो बढ़ाई गई है। तो दोस्तों वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि कब तक इसकी वैलिडिटी बढ़ाई गई है। तो दोस्तों इस नोटिस को जो है यहीं से एक बार हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये जो नोटिस है वो डाउनलोड हो चुका है, और दोस्तों देख सकते हैं 1 जून 2022 का नोटिस है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि CNE 02, और दोस्तों ये जो पद था वो था दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का। इसकी दोस्तों यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो दोस्तों अब जो है 23/10/2020 से बढ़ा करके 22/10/2022 कर दी गई है, यानी कि दोस्तों इसी साल का जो 10वां महीना है उसकी 22 तारीख तक इस पद पर यहाँ पर जो है भर्ती ली जाएगी, और इसके बाद में इस भर्ती को समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब जो है अगली पोस्ट है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों वापस से इसकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर आ चुके हैं, और दोस्तों यहां पर भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि 20/5/2022 को ये नोटिस जारी किया गया था, और दोस्तों यहाँ पर ये जो पैनल है वो एक्सटेंड वैलिडिटी का है, जिसमें आर्किटेक्ट असिस्टेंट RNE 07 की जो पोस्ट है उसके बारे में बताया गया। और दोस्तों इसी नोटिस को जो है यहीं से एक बार हम जो डाउनलोड कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं कि ये नोटिस 20/5/2022 को जारी किया गया था, और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट दी हुई है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी जो वैलिडिटी है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो दोस्तों वो वैलिडिटी 23/7/2020 से यहाँ पर 12/4/2023 कर दी गई है, यानी कि दोस्तों आर्किटेक्ट असिस्टेंट रेगुलर, यानी कि ये रेगुलर भर्ती है, सीधी भर्ती है RNE 07, तो इसकी वैलिडिटी को 2023 यहाँ पर कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अभी तक जो भी 2019 की सीधी भर्ती थी यानी कि रेगुलर भर्ती थी उसको 2023 तक बढ़ाया गया है, और बाकी जो एक पोस्ट अभी मैंने आपको बताई है वो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की थी, उसे 2022 ही यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों अगली पोस्ट के बारे में भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम जो है वापस से इसकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर आ चुके हैं, और दोस्तों देख सकते हैं 4/5/2022 को ये नोटिस जारी किया गया था। इसमें दोस्तों असिस्टेंट CC RNE 13, तो दोस्तों इसकी वैलिडिटी को भी यहाँ पर एक्सटेंशन किया गया है, यानी कि बढ़ाया गया। तो दोस्तों इसी नोटिस को जो है यहीं से एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये नोटिस भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, और दोस्तों इसकी भी डेट जो है यहाँ पर 4/5/2022 है, यानी कि दोस्तों ये लगभग एक महीने पहले जारी किया गया था। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसकी जो वैलिडिटी बढ़ाई गई है वो दोस्तों 27/7/2020 से बढ़ा करके 19/4/2023 यहाँ पर कर दी गई है। दोस्तों पोस्ट का नाम है असिस्टेंट CC रेगुलर RNE 13। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 और पदों के नोटिस यहाँ पर आ चुके हैं, और दोस्तों इनकी वैलिडिटी को भी जो है यहाँ पर एक्सटेंशन कर दिया गया, यानी कि दोस्तों बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि रेगुलर भर्ती को 2023 तक बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब दोस्तों अप्रैल 2023 से पहले यहाँ पर नई वैकेंसी आने के यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है। क्योंकि दोस्तों DMRC अगर न्यू वैकेंसी जारी करती तो दोस्तों इतने सारे पदों की जो वैलिडिटी है वो उसको जो है बढ़ाती नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लगभग सभी पदों की जो वैलिडिटी है उसको बढ़ा दिया गया है, और दोस्तों ना ही इस इन पर जो है अभी तक ज्वाइनिंग हुई है, यानी कि इनके मेडिकल भी नहीं हुए हैं। अगर दोस्तों मेडिकल हो जाते और ज्वाइनिंग हो जाती तो दोस्तों न्यू वैकेंसी आती, लेकिन अभी तक यहाँ पर न्यू वैकेंसी के जो है यहाँ पर कुछ भी आसार नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए अब जो है मैं आपको यहाँ पर जो है DMRC का जो RTI का
जो अप्लाई का जो वीडियो है वो लाने वाला हूँ, और दोस्तों उसमें क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर अप्लाई करने हैं, तो दोस्तों वो जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपके क्वेश्चनों को यहाँ पर जो है मैं शामिल करने की कोशिश करूँगा, और दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों के जो जवाब है वो मैं DMRC से यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा। साथ ही दोस्तों कितनी पोस्टें वैकेंट है, कब तक न्यू वैकेंसी आएगी, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर जो है ज़रूर अप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।